और कुछ लोग विरोध करने में इतना अपना संतुलन खो देते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूं जी। इन दिनों अब इस पर तो बोल नहीं पाते, कह नहीं सकते कि काला धन नहीं है, कह नहीं सकते कि भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि जाना नहीं चाहिए तो, लेकिन कुछ तो बोलना है तो क्या बोले। लेकिन बोलने में ऐसी गड़बड़ करते हैं, ऐसी गड़बड़ करते हैं जी। अब बताइए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जब मैं कह रहा हूं ना भाई समय की मांग है, बदलाव आना चाहिए। अब एक जमाना था चांदी का रुपया होता था वही करेंसी में चलता था, वक्त बदलते बदलते कागज का आ गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब वक्त बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है, आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है। तो मैं जब कह रहा हूं कि भाई अब बिना जेब में नोटों के थप्पे भरे बिना भी काम हो सकता है, तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं, इतने लंबे सर तक, और इतने साफ कुशलता देखो, कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने अभी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मनमोहन सिंह जी आप विरोध करें, करें करें कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं ये मुझे खुशी हो रही है।